नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिंदिता सिंह है और मैं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी कोलकाता में कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे कि नोवा आईवीएफ दूसरे फर्टिलिटी क्लिनिक से कैसे अलग है। किसी भी आईवीएफ क्लिनिक का मूल कार्य होता है आईवीएफ प्रक्रिया को सही तरीके से करना। आईवीएफ प्रक्रिया के 3 स्टेप होते हैं, पेशेंट सिलेक्शन, पेशेंट स्टिम्यूलेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे कि नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी में हम ये 3 स्टेप किस प्रकार करते हैं। पूरे भारत में नोवा आईवीएफ के लगभग 50 सेंटर हैं। इन सभी सेंटर्स में काफ़ी सोच विचार के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। नोवा आईवीएफ के सभी डॉक्टर इन्हीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके सही तरीके से आईवीएफ पेशेंट सिलेक्ट करते हैं। किस पेशेंट को किस ट्रीटमेंट से उपकार मिलेगा या उनका रिजल्ट बेहतर होगा, यह सब सोच विचार करके ही नोवा के SOP बनाए गए हैं। दूसरा स्टेप है पेशेंट स्टिम्यूलेशन एंड मॉनिटरिंग। नोवा आईवीएफ में हम पेशेंट को रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस देते हैं जो पूरे विश्व में सर्वोत्तम माना गया है। पेशेंट स्टिम्यूलेशन के दौरान हम उनका मॉनिटरिंग उच्चतम अल्ट्रासाउंड मशीन से करते हैं। तीसरा स्टेप है लैब कंडीशंस। लैब यानी वो जगह जहां आपका भ्रूण बनाया जाता है। 80% आईवीएफ सक्सेस लैब कंडीशंस पर ही डिपेंड करता है। जहां हम भ्रूण बनाते हैं उसे 5 दिनों तक कल्चर करते हैं और आखिर में उसे महिला के गर्भ में रख दिया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी लैब ही नोवा आईवीएफ की अनूठी विशेषता है। नोवा आईवीएफ के एम्ब्रियोलॉजी लैब में एयर हैंडलिंग यूनिट लगे हुए हैं। इससे जो भी हवा नोवा आईवीएफ के लैब्स में प्रवेश करता है उसे फिल्टर किया जाता है और उसे जर्म फ्री किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लैब में नहीं घुस पाता। इससे एम्ब्रियो के कल्चर कंडीशंस भी बेहतर होते हैं और एम्ब्रियो की ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से होती है। नोवा आईवीएफ के हर लैब में डेडिकेटेड इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं, यानी हर पेशेंट के एम्ब्रियोज अलग अलग इंक्यूबेटर में रखे जाते हैं। इससे एम्ब्रियो की ग्रोथ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है और एम्ब्रियो की ग्रोथ भी बहुत अच्छी प्रकार हो पाती है और इसी कारण आईवीएफ सक्सेस रेट्स भी बेहतर होते हैं। याद रखिए, आईवीएफ लैब कंडीशंस पर ही आईवीएफ सक्सेस मूल रूप से डिपेंड करता है। आशा करती हूँ हम आज नोवा आईवीएफ के बारे बेहतर जान पाए हैं। धन्यवाद।